नोएडा के स्कूल से आठवीं कक्षा के दो बच्चे लापता हैं और उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के ये स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्कूल में अभिभावकों के हंगामे को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां पेरेंट्स ने अब लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लापता बच्चे की मां से हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की। तो दो बच्चों के अचानक स्कूल से गायब होने के बाद यह मामला सामने आ रहा है, जहां अब बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल आपको बता दें, इसी घटना के सामने आने के बाद स्कूल परिसर में भी अभिभावक पहुंचे और हंगामा हुआ। और इस बीच खबर यही है कि ये नोएडा का एक स्कूल है, जिससे आठवीं कक्षा के दो बच्चे लापता हुए हैं। पूरा मामला क्या है, मेरी सहयोगी शालिनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, पूरा मामला आखिर यह है क्या? हाँ सर, भी बता दूं कि कल बच्चों को 11:50 पर छुट्टी होनी थी, तो पेरेंट्स पहले ही पहुंच चुके थे 11 बजे स्कूल पर, लेकिन बच्चे उनको नहीं मिले क्योंकि बच्चे पहले ही निकल चुके थे। और स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चे निकलते हुए दिख रहे हैं, पेरेंट्स परेशान है आखिर बच्चे गए कहाँ। तो 24 घंटे हो चुके हैं, दोनों ही बच्चों का भी कुछ पता नहीं है और इसको लेकर FIR भी हो चुकी है। SEP भी स्कूल में पहुंचे थे, उन्होंने भी बाकायदा छानबीन कर रही है पूरी पुलिस, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इसको लेकर अब जो पेरेंट्स हैं वो बहुत नाराज हैं, जो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो लोग भी सुबह हंगामा कर रहे थे कि आखिर इस तरह की लापरवाही स्कूल से कैसे हो सकती, जब पेरेंट्स खड़े थे उसके बावजूद बच्चे कैसे पहले निकल गए। तो इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं पेरेंट्स कि स्कूल की भी तमाम गलतियां हैं, स्कूल की एक जिम्मेदारी बनती है कि इतने छोटे बच्चे जो कि 8th क्लास में पढ़ते हैं दोनों बच्चे, वो बिना अगर पेरेंट्स आए थे तो उनको उनके साथ क्यों नहीं भेजा गया, उससे पहले कैसे बच्चे निकल गए। इसको लेकर पेरेंट्स हंगामा कर रहे थे, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन पेरेंट्स जिन जो बच्चे खो गए उनके लिए मुश्किल ये है कि बच्चे आखिर कब मिलेंगे, उनको कहाँ गए हैं, किस हालत में है, किस जगह पर है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल पुलिस जो है ना गुमशुदगी की रिपोर्ट कर और सभी जगहों पर छानबीन कर रही है। आसपास के जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वहां पर भी जाकर पुलिस ने CCTV कैमरे, स्कूल के CCTV कैमरे भी चेक किए गए, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया।